वो आधा खा रहा है, कुछ बचा के रख रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी करेगा मेरा बच्चा, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रहा है, बाहरी को लाके घुसा रहा है। तो बच्चा सड़क पे तो आएगा ही, अगर मेरा जेल जाने से इतना हजारों स्टूडेंट का जिंदगी बदल जाएगा और आने वाला पीढ़ी का बदल जाएगा ना, तो हम रेडी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90-10 का नीति बनना चाहिए, ये हम लोग का मंजूरी है, लेकिन ये 60-40 हम लोग कतई नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं मानेंगे 60-40 नीति, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि हम एक स्टूडेंट, एक गरीब, एक बेसहाय, एक बेरोजगार स्टूडेंट है, बच्चे हैं ना, इसीलिए सब मुझ पर ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग ट्रोल कीजिए, कितना ट्रोल करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जितना ट्रोल करेंगे ना उतना हम ऊंचा उठते जाएंगे। 60-40 जो नीति, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो 60-40 नीति है, ये तो पूरी तरह से हमारे झारखंड के जितने स्टूडेंट्स हैं, नौजवान है, आने वाला पीढ़ी है, पूरा इसको बर्बाद करके ले डूबेगा, पूरा बर्बाद करके रख देगा। और ये 60-40 नीति हम लोग इसको लागू करने नहीं देंगे सरकार को, किसी भी हाल पे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग लागू करने नहीं देंगे। और जो स्टूडेंट्स को जो मारा गया, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? उसके लिए तो यही कहेंगे, जब भारत सरकार हमारे आर्मी ऑफिसर को, बॉर्डर में रहते हैं उन लोग को ये इजाज़त नहीं दिया है कि वो लोग दुश्मन को भी पहले वार करें, तो फिर ये झारखंड सरकार कैसे इजाज़त दे दिया कि शांतिपूर्वक स्टूडेंट उन पे वो पहले आंसू गैस फोड़ के उसके बाद उन पे लाठी चार्ज करेगा, फिर बाद में जब स्टूडेंट घर जा रहे थे तो लाइट ऑफ करके उन्हें बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया, इतना बेरहमी से कि किसी का पीठ का चमड़ा छिल गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, इस तरह से नहीं पीटना चाहिए। आखिर स्टूडेंट किए क्या थे? जब हेमंत सोरेन हम लोग का जो मुख्यमंत्री है, वो अगर ये 60-40 नीति लागू नहीं करेंगे हमारे झारखंड के हित में ही, वो सारे नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति हुआ, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, तो फिर हम लोग को क्या ज़रूरत है सड़क पे आने का? सब लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किसी के मम्मी पापा कितना मुश्किल से पढ़ा रहे, कोई ज़मीन बेच के पढ़ा रहा है, कोई अपना ज्वेलरी बेच के पढ़ा रहा है, कोई अपना पेट लात मार के पढ़ा रहा है, मतलब पेट में वो आधा खा रहा है, कुछ बचा के रख रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी करेगा मेरा बच्चा, लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रहा है, बाहरी को लाके घुसा रहा है। तो बच्चा सड़क पर तो आएगा ही, और ये एक ये है कि सरकार को मतलब अपने आप पे थोड़ा शर्मंदगी भी महसूस करना चाहिए कि इस तरह से बच्चों को मतलब बेरहमी से पीटना, अपना हक अधिकार मांगने के लिए आया। तो बाहरी सर, तो मतलब क्या है बाहरी? मतलब जैसे कि हम लोग झारखंड के मूल निवासी हैं झारखंड के, तो 60% हम लोग के लिए है और 40% बाहर का, और 60 में से भी हम लोग का बांटा हुआ है, और वो जो 40 लोग का पूरा, उन लोग को 40 मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, आपके अंदर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप इतना अग्रेसिव हो गए? अचानक यही हुआ कि जितने स्टूडेंट थे सब शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, और वहाँ जो हमारे छात्र नेता देवेंद्र महतो थे, टाइगर जयराम महतो थे, वो लोग बैठ के स्पीच दे रहे थे, सारे स्टूडेंट सुन रहे थे, और कुछ कुछ साइड साइड में खड़े थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अचानक पुलिस प्रशासन आके आंसू बम फोड़ दिया, और उसके बाद क्या क्या उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, और इतना ऐसा लाठी, बेरहमी से लाठी चार्ज किया कि किसी को सिर पे लगा, किसी को पीठ पे, किसी को हाथ पे, एकदम न भागने का मौका मिला, ना कि यह संदेश क्या देना चाहते हैं कि पहले आंसू बम फोड़ो ताकि बच्चा का आंख जलेगा, भाग नहीं पाएगा, उसके बाद दम तक उस पर तो उसको मारो पीटो, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा, बच्चा का हाथ पर डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट का, तो क्या बाद में वो एसआई का फॉर्म भरेगा तो उसको मेडिकल में हटा देगा कि नहीं? इसका रिस्क लेगा सरकार न पुलिस प्रशासन रिस्क लेगा उसका, इसीलिए। और ये चीज़, और जो छात्र ने तो जयराम, जो हमारे टाइगर जयराम भैया है, जयराम भैया पे कितना बदसलूकी किया गया, वो जयराम भैया के आंखों में जब वो आंसू बम का ये प्रभाव पड़ा तो वहाँ पे बैठ गया तो उस पर लाठी चार्ज हो रहा था, फिर दो चार भैया जाके, लड़का लोग जाके उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसके बाद वो जयराम भैया जब जमीन पर लेट गया तो उसको एकदम बच्चा को जैसे दोनों हाथ और पैर में टांग के उठाते ना, उसे टांग के उठाएगा, वो बार बार एक ही बात बोले कि हम शांतिपूर्वक है, हमको ऐसा मत करो, हम आराम से जाएंगे, आज ही के दिन भगत सिंह का फांसी हुआ था, आज अगर हमको मार भी दोगे ना तो हम मर भी जाएंगे, गोली भी मारोगे तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम भागेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उसको एकदम टाना खींचा करके उसका टी शर्ट फाड़ के, तो फिर किसको गुस्सा नहीं आएगा बताइए? और उस दिन जो हुआ, ये सब सरकार ही इसका जिम्मेवार है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, हम लोग हक मांगने गए हैं, और हक मांगने जाए, एक तो हम लोग बेसहारा स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट है, हक मांगने गए हैं, और उसमें वो लाठी चार्ज करेगा, गाली गलौज करेगा, पुलिस लोग पूरा माँ बहन कर देगा, तो क्या अपना जुबान से किसका नहीं निकलेगा बताइए? और ऊपर से पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग का जो लीड कर रहे हैं उनको लेके गए जबरदस्ती एकदम मार पीट करके, तो ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून में लिखा है, ये कौन सा संविधान में लिखा है बताइए? सरकार सबकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि सरकार आप हमारे झारखंड के हित से ही आप सारा नियम कानून बनाइए, हम लोग सब बैठ जाएंगे, हम लोग सब अपना पढ़ाई लिखाई में बैठ जाएंगे, हम लोगों को क्या दरकार है? कौन चाहता है कि सड़क पे जाए आंदोलन करें? कौन चाहता है हम लाठी खाए? कौन चाहता है हम दर दर भटके? सब चाहता है कि हम पढ़े लिखे, नौकरी करें और अच्छा घर परिवार बसाए, सब यही चाहता है।
आपका लाइव के माध्यम से पता चला कि आपको फेसबुक के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है, उन सब क्या कुछ करना है? जो जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, उन लोगों से बस एक मेरा संदेश है, अब मेरा अपशब्द, ठीक है, मैं मान रही हूँ कि मैं बोली, लेकिन सिचुएशन भी देखना पड़ेगा। हमको बोलने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया, किसी पे इतना लाठी चार्ज होगा, लड़कियों पे भी लाठी चार्ज होगा, लड़कों पे भी होगा, और दो ही लड़के थे, लड़की थे फिर भी, और आंसू बम फोड़ा जाएगा, ये कौन सा ये है, तो मुँह से किसी का भी निकलेगा, ठीक है, मैं मानती हूँ निकला मेरा मुँह से, लेकिन मेरा अगर मेरा FIR दर्ज होगा ना, तो उन लोगों पे भी होना चाहिए जो संवैधानिक पद पे हैं और संविधान हमारा विधानसभा के अंदर बोलते हैं, जो कि एकदम खुलेआम पे, जहाँ हमारा विधानसभा में लाखों हमारे करोड़ों जनता का विश्वास है, वहाँ पे नामर्द बोला गया है, CP सिंह बिरंची नारायण बन्ना गुप्ता द्वारा नामर्द बोला गया है, तो उन पे भी आप लोग ट्वीट कीजिए, उनको भी बोलिए कि उनके नाम पे FIR होना चाहिए, फिर उसके बाद बेबी महतो के नाम पे होगा ना, ये रेडी है जेल जाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। अगर मेरा जेल जाने से इतना हजारों स्टूडेंट का जिंदगी बदल जाएगा और आने वाला पीढ़ी का बदल जाएगा ना, तो हम रेडी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन लोग पे भी होना चाहिए, और सरकार पे भी असंवैधानिक तौर पे वो पीटा है बच्चों को, उन पे भी ये लागू होना चाहिए, उन पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ बेबी मातों पे क्यों होगा? क्योंकि हम एक स्टूडेंट, एक गरीब, एक बेसहाय, एक बेरोजगार स्टूडेंट है, बच्चे हैं ना, इसीलिए सब मुझ पर ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग ट्रोल कीजिए, कितना ट्रोल करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जितना ट्रोल करेंगे ना, उतना हम ऊंचा उठते जाएंगे। आज का जो सब यात्रा निकाले हैं मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और बन्ना गुप्ता जी का, इसका मकसद क्या है आप लोग का? इसका मकसद यही है कि हम लोग मंत्रियों को, चारों मंत्री को संदेश देना चाहते हैं कि जब हमारा अस्तित्व नहीं रहे, हमारा सब चीज़ें सब छीना जाएगा हमसे, 60-40 लागू हो जाएगा, मतलब हम लोग तो झारखंड से एक प्रकार से बाहर, और जब एक प्रकार से देखा हम लोग बाहर हो गए, अगर हम लोग बाहर हो गए तो हमारा कुछ नहीं बचेगा अस्तित्व। जब इंसान का अस्तित्व नहीं रहता तो मरने के समान हो जाता है, और हम लोग मरने के समान होंगे तो ये तो हमारे नेता है, हमारे मंत्री है, हम लोग इन लोग को जिताए हैं, तो फिर इन लोग का भी तो सेम हाल है ना, और ये एक अपना हित में एक नीति नहीं बना पा रहे हैं जो झारखंड के हित में है, और हम लोग इनको रघुवर सरकार को, उसको उसका सीट से ये करके हम लोग दूसरा बार इनको हेमंत सरकार को, इनको मुख्यमंत्री बनाए कि अपना आदमी है ये, अपना झारखंड के हैं, झारखंड के हित में काम करेंगे, लेकिन यही तो झारखंड के हित में क्या काम करेंगे जो रघुवर दास 2016 में कर रहे थे, उसी नीति को ही अपना दिया, इतना साल स्टूडेंट को बैठा दिया घर में, फिर बोले कि हम एक नया नीति लाएंगे, अच्छा नीति लाएंगे जो झारखंड के हित में हो, लेकिन फिर भी आज देखिए कि वही जो रघुवर सरकार ये कर रहे थे उसी चीज को वापस ले रहे, मतलब एक प्रकार से क्या होता है ना कि कोई नहीं थूक देता कुछ भी चीज को, फिर बोलता कुछ भी चीज को बोल देता, थूक देता, फिर बोलता उसको हम उधर घूम के भी नहीं देखना, लेकिन ये क्या काम कर रहे ना, उसी को वापस जाके वापस लेने का काम कर रहे हैं, एक प्रकार से यही है। हमारे हिसाब से सही नीति यही है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे बाहर वाले को बिल्कुल नहीं जगा देंगे, 90-10 का होना चाहिए, देंगे हम लोग भी, मतलब वो लोग भी आए यहाँ जॉब करें, क्योंकि सबका अधिकार है, हम लोग भी, और हम लोग को बाहर में नहीं दिया जाता कोई क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी 90-10 का नीति बनना चाहिए, ये हम लोग का मंजूरी है, लेकिन ये 60-40 हम लोग कतई नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं मानेंगे 60-40 नीति, ये हम लोग होने नहीं देंगे, और अगर ये चीज़ नहीं रोका जाएगा ना तो आगे क्या क्या होगा तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। आज स्टूडेंट सड़क पर उतर आया है ना, लेकिन कल को पता नहीं स्टूडेंट पेन छोड़ के हथियार भी पकड़ सकता, कोई गारंटी नहीं है, हम सभी स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट नौकरी डिप्रेशन में कैसे चला जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, इधर घर से प्रेशर आता है, अपना फैमिली को अच्छे से पाल नहीं पाता है, लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाता है तो कुछ भी करता है ना, कुछ भी तो कुछ भी कर सकता है, और ये जो फिर लड़का लोग, और एक पॉइंट वाला एकदम फैक्ट बात है कि लड़का लोग जो सुसाइड करता है फिर उसको क्या बोला जाता है कि लड़का कोई लड़की के साथ अफेयर था तो सुसाइड किया, ऐसा कुछ नहीं रहता है, कमी 5% लड़का ऐसा करता है, लेकिन बाकी 95% लड़का अपना जॉब से अपना इस ये स्थिति देख के ना डिप्रेशन आके वो क्या करेंगे क्या नहीं कुछ समझ नहीं पाता, इसी वजह से स्टूडेंट लोग सुसाइड करता है।